हफ्ते का ये मेरा आखिरी चाय का कप। अभी रात के 10 बज रहे हैं, डेट है 7 अक्टूबर। मैंने यार ट्रिप मीटर जीरो कर दिया, इससे पता तो चलेगा ढाबे की दूरी कितनी है। अब मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ चाय पीने, इसे कहते हैं चाय का नशा। लगभग 16 किलोमीटर है यहाँ से, आना जाना मिला के 32 किलोमीटर। अयोध्या लखनऊ हाईवे की सेकंड बेस्ट चाय यही मिलती है, और बेस्ट चाय पीने के लिए आपको इस तरीके के दो टोल प्लाजा क्रॉस करने पड़ेंगे जिसकी कीमत 220 रुपये है। क्योंकि मुझे चाय की एडिक्शन है और दिन में 4 से 5 कप चाय हो जाती है। वीकेंड्स की बात करूँ तो जो 4 से 5 कप पर डे होता है वो बढ़ के 6 से 7 कप पर डे हो जाता है। चाय और बारिश, डेडली कॉम्बिनेशन। चाय खत्म, अब चलते हैं रूम की तरफ, देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा निकलता है। चाय पीना बंद करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? द एंटी ऑक्सीडेंट्स फाउंड इन टी में हेल्प रिड्यूस योर रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज लाइक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड मे बी इवन कैंसर। सिम्टम्स ऑफ कैफीन विदड्रॉल में इंक्लूड हेडेक, इरिटेबिलिटी, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड फटीक। अरे चाय छोड़ रहे हैं भाई, सांस लेना थोड़ी छोड़ रहे हैं, इतनी सारी बीमारी है। शायद गर्म पानी पीने से आपकी चाय की तलब न जागे, अब टेम्पटेशन ना हो। और मेरे लिए चीज़ें कठिन होती चली जा रही हैं, तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। चलिए आइए गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। मैं ये कह रहा था मेरे लिए चीज़ें कठिन होती चली जा रही हैं। पहले हेडेक होता था, फिर आँखों में दर्द होना शुरू हुआ, फिर आँखों में जलन होने लगी, फिर आलसपन आने लगा, उसके बाद उस टाइम बाद मुझे स्ट्रेस होने लगा, हर छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस, मतलब कि जो चीज़ें इग्नोर की जा सकती उसके ऊपर भी स्ट्रेस। ये चिट्ठी क्यों घूम रही है यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा, इस बात का स्ट्रेस। उस भाई आज एक नई चीज ऐड हो गई, हेलुसिनेशन। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे कोई चाय पिला दो, चाय मांगता है मेरे को। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मैं बात किससे कर रहा हूँ, यहाँ तो कोई नहीं है। ये ख़त्म करते गेम भाई, हो गया 5-6 दिन यार। एक कहानी सुनाता हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट, जिससे आप मेरा और चाय का रिलेशन समझ पाएँ। कुछ लोगों को कुल्हड़ में चाय पीना पसंद है, तो कुछ लोगों को बरसात में, तो कुछ लोगों को काम करते हुए खुशी में पीते हैं, कुछ स्ट्रेस में। मेरी कहानी आप लोगों की कहानी से कुछ अलग नहीं है, पर मेरी चाय पीने की शुरुआत ही कहानी कुछ अलग है। आई वॉज इन 3rd standard एंड माई पेरेंट्स लेफ्ट मी टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन वाराणसी ड्यू टू फॉर सम फाइनेंशियल कंडीशन। दे वर ओल्ड एंड स्वीट। They started giving me tea. They trained me how to have biscuit with tea, bread with tea, paratha and roti with tea. We used to have bed tea, tea in breakfast, tea in lunch, evening snacks tea, and sometimes tea after dinner. Days after days, months after months, years after years. Finally, this became habit, and this habit was converted into addiction. और इस एडिक्शन को ब्रेक करने के लिए मैंने अपने आप को नो टी वी का चैलेंज दिया, मतलब एक हफ्ते बिना चाय पिए रहना। टुडे संडे डे 2 और अभी लगभग 11:26 हो रहे हैं। कोई और दिन होता तो मैं 3-4 कप चाय पी चुका होता, लेकिन परसों रात से मैंने एक भी कप चाय नहीं पी। कल रात से काफ़ी बारिश हो रही है, अक्टूबर मंथ में कब से बारिश होने लगी भाई। एक तो वैसे ये वीक नो टी वीक चल रहा है, मेरे लिए चैलेंज ले रखा है, ऊपर से बारिश, और बारिश में चाय और पकौड़े, सर दर्द थोड़ा थोड़ा बना हुआ है, जैसे हल्का हल्का सुरूर जैसा है। ऑफिस 600-700 मीटर दूर है, लेकिन मुझे कार से आना पड़ा क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हेडेक बढ़ता जा रहा है मेरा, तो फर्स्ट वर्किंग डे है, देखते कैसे कटते। सैटरडे संडे तो आराम से कट गया मेरा। अभी लंच हुआ है और जैसे जैसे काम का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वैसे वैसे मेरा हेडेक बढ़ता चला जा रहा है। इस समय हेडेक की हालत यह है कि मेरे आंखों में दर्द होने लगा, और अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पिंपल भी निकल आया। जनरली मेरे पिंपल्स निकलते नहीं हैं, पूरा वीक पड़ा हुआ है, मतलब ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कैसे कटेगा।
कल तक जो सर दर्द बढ़ता चला जा रहा था वो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाकर रुक गया है, इंस्टेंटली वो बना हुआ है उस जगह पे। साथ ही साथ जो मेरे आंखों में दर्द था, आंखों में जलन थी, वो भी उस पर्टिकुलर लेवल पे जाकर रुक गया, वो भी कंसिस्टेंटली बना हुआ है। एक नई चीज आज ऐड हुई है, एक नई चीज ये हुई है कि लेजीनेस इंक्लूड हो गया मेरे कैरेक्टरिस्टिक में। सालों से आपकी कोई हैबिट बनी हो, उसको एक छोड़ दे तो आपकी बॉडी ही उसे एक्सेप्ट नहीं करती। मैं मेंटली तो प्रिपेयर था। तो लोगे पर बोल न पाओगे, दिल की बात आएगी ना जबान पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद। कंक्लूड करते हैं उस वीडियो को, एंड करते हैं। कुछ बातें जो मुझे शेयर करनी है, जैसे डे 5 मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि कुछ था नहीं दिखाने को, और एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। ऐसा लग रहा था मैं अपने आप से लड़ रहा था। मेरे लिए अच्छी चीज़ ये हुई कि जहाँ मैं 4 से 5 कप चाय पीता था, अब मैं 1 से 2 कर सकता हूँ या 2 से 3 कर सकता हूँ। सीखने वाली बात यह थी कि अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है तो आप उसे तुरंत नहीं छोड़ सकते, धीमे धीमे ही छोड़ा जा सकता है। हो गया, 3 कप चाय बनाना से कम नहीं।